जस्ट बाहर निकलते निकलते ही देयर इज अ बार क्यूट डॉग अलर्ट. सो मैक्सिमम टाइम हम लोग वॉक करके एक्सप्लोर करने वाले हैं. हाय चलो. सो दिस वाज आवर एयरबीएनबी. यहां रुके थे. ओके हैं अभी भी. हां मतलब है. एंड फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट जस्ट बाहर निकलते निकलते ही देयर इज अ बार कैंप यू कैन सी. ओके और सम काइंड ऑफ फेयर. ओ दिस इज समथिंग. वो बच्चे नीचे जा रहे थे. ओ वॉच आउट फॉर दिस. कुछ फंक्शन हो गया यार इनका. समझ तो आएगा नहीं हमको कुछ. Dragi gosti, ja se nadam da je do sada s ovim programom biće. So maximum time hum log walk karke explore karne wale hain. So I think that's the best way to do. Haan, because exploring the city, there is no itinerary as such. So we'll be just looking at places, kuch iconic places jayenge. Aur yeah, that's it. Baki kuch aata rahega to we'll keep on updating. इंडिया में कभी नहीं हो सकता. इंडिया में है. दैट्स द यूनिवर्सिटी ऑफ बेलग्रेड स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग. या यू वांट टू विजिट समथिंग अपार्ट फ्रॉम डीयू दूर. What do you call that? First of all, this is a beautiful park. This is, I mean, this is the third park that we have seen on our way in the span of 1.5 kilometers. And again, it's a beautiful park. I think that is the river flow. चलते चलते हम आप पहुंच गए हैं रिपब्लिक स्क्वायर. और ये जो सामने मेन बिल्डिंग आपको दिख रही है ग्रीन एंड ऑरेंज कलर की, ये नेशनल म्यूजियम है. और इसके लेफ्ट में ही जो ये थोरोफेयर है, ये मैं बताऊंगी आगे, बहुत एक्साइटिंग जगह है. तब तक आप ये व्यू चेकआउट करो. That's cultural center of Belgrade. तो इस जगह का नाम मैं ऑब्वियसली प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगी, जो सर्बियन नाम है. बट इंग्लिश में यू कैन से दिस इज प्रिंस माइकल स्ट्रीट. क्योंकि सेंटर से लेकर, जो कि हमने देखा स्क्वायर था, जो वहाँ से लेके फोर्ट्रेस तक जाती है. यहाँ पे शॉपिंग के लिए आउटलेट्स हैं, खाने पीने के लिए बाहर पैटियोज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं. काफ़ी अच्छी वाइब है और पूरा दिन आप यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो एक्चुअली. तो अच्छा था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था. हम तो यहाँ बहुत बार ही गए, फिर एक बार जाने के बाद बहुत बार गए. वो वैसे ही रहेंगी वही.
I think too much. Of course. Right now, or later? अभी भी ले ले यार. महंगे तो सही है. अच्छी दिख रही है. पहले चेंज करा लूँ पैसे. हाँ, money. Very good rate, money exchange. Good price. ये पूरी स्ट्रीट ही ऐसी थी, कहीं पे कुछ डांस का चल रहा था, कहीं पे कोई म्यूजिक कुछ बजा रहा था, कुछ कोई गा रहा था. बहुत ही हैपनिंग जगह है एक्चुअली ये. दिस स्ट्रीट इज कॉल्ड स्कदारलिया. आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ. ये एक कॉबल स्टोन स्ट्रीट है. इसके दोनों तरफ बोहेमियन रेस्टोरेंट्स थे और आर्ट गैलरी भी थी आगे जाके, जो ये सामने दिख रहा है गैलरी एस. ये काफ़ी हैपनिंग सी स्ट्रीट थी. कहीं रेस्टोरेंट्स में म्यूजिक था, कहीं पे लाइव म्यूजिक चल रहा था. इसलिए वो खड़े हो जाते हैं आदमी वगैरह भी, उसको स्टैचू के बैठे. लास्ट टाइम राज कपूर की मूवी में देखा था मैंने, है ना, ये वाला जो वो बाजा से बजा रहा है. नो हार्मोनियम, व्हाट इज दैट, हैंड हार्मोनियम. लास्ट कुछ और बोलते हैं उसको. कौन है जो दिल में बैंड कल्चर. उसके बाद हमने कुछ खाया क्योंकि इस दिन करवा चौथ था और पूजा करनी थी मुझे, तो मैंने वहीं पे थोड़ा सा जो भी कर सकी मैंने वो किया और फिर मैंने कुछ खाया. हाय सान्या. और फिर ये अराउंड 9-10 बज रहे थे और 9-10 बजे भी ऐसा लग नहीं रहा था कि इतना लेट हो गया, मतलब इनके लिए लेट नहीं था अपेरेंटली. काफ़ी सेफ़ सिटी है, मतलब सर्बिया ही हमें काफ़ी सेफ लगा. लेट नाइट भी लोग घूमते रहते हैं, विच इज़ वेरी गुड. सो दिस वॉज द एंड ऑफ आवर फर्स्ट डे बेलग्रेड में. काफ़ी अच्छा लगा यार, मतलब उनके हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं, हमने सिर्फ ये स्क्वायर तक आए, वॉक करके यहाँ से वापस गए और ये पूरा एक्सप्लोर किया, खाया, इन्जॉय किया. अगले दिन हमने और बेलग्रेड को एक्सप्लोर किया जो कि आगे के व्लॉग्स में आपको दिखेगा. तो टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अगर नहीं किया है तो कमेंट्स भी करो, बताओ हमें कैसा लग रहा है व्लॉग, कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है तो वो भी बताओ. ओके बाय.